सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैंड अप क्लासेस। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो लाइव क्लास है हमारे लिए बहुत बहुत और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस लाइव क्लास में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जीके से, हिस्ट्री से टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैं ये वादा करता हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल स्टैंड अप क्लासेस को, ताकि इसी तरह के वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहे और ताकि आपके एग्जाम की तैयारी और बेहतर हो सके। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार और, जब ये क्वेश्चंस इतने ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, जो कि हमारे लिए ये क्लास सबसे जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी तक का ये सबसे लेंदी वीडियो और सबसे बेस्ट वीडियो इस चैनल का होने वाला है। तो फटाफट सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स तक, ताकि अगर जो लोग अदर स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। तो फटाफट शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो है व्यूज आए, अधिक से अधिक लोग देखें और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से फायदा लें। तो एक एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए हम आज का ये क्वेश्चन शुरू करते हैं, शेयर फटाफट कर दीजिएगा। सो मैं चलता हूँ नीचे की तरफ और यहाँ से शुरू होते हैं आज के हिस्ट्री के बेहद और बेहद महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन। तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट वो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो मैं आपको बता दूँ, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी वो की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो आपका जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रत्येक क्वेश्चन पे आप बिल्कुल ध्यान देते हुए चले गए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने जो है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर दिया था, पृथक करके जो है स्वतंत्र कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनः विवाह जो है कानून बना था आपका जो है 1856 ईस्वी में। कब बना था? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने जो है फूट डालो और शासन करो की नीति जो है 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो जो आर्य थे वो भारत में जो है केंद्रीय एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी? तो आर्य अवधि में जो है रामायण एवं महाभारत की जो है रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी और गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे अगर वंश आता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो वहाँ हो जाएगा श्रीगुप्त, और अगर यहाँ हम पूछते हैं कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो बेगम खां और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच? बेगम खां और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो जो मोहम्मद गौरी था वो अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तानी किस शासक की पेशी थी, यानी मस्तानी किस शासक की लवर थी? तो वो थी आपकी बाजीराव पेशवा की। किसकी थी? बाजीराव पेशवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन पे आप बिल्कुल ध्यान देते हुए चलेगा, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, और खुद सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को जो है आपके खिलजी ने, सर्वप्रथम मुस्लिम शासक ने जो है इसे जीता था, खिलजी
मुस्लिम शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कहाँ पे किया गया था? सूरत में। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो कहाँ हुआ था? सूरत में सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो जो पहली सहायक संधि थी उसका नाम है निजाम संधि। क्या नाम है? निजाम संधि। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप याद देखते हुए चलेगा। तो जो कर्नाटक संगीत का जो पितामह है उनका नाम है आपका जो है पुरंदरदास। क्या नाम है? पुरंदरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो जो प्रथम चीनी यात्री जो भारत आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है राज्य में आया था, शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासनों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो किसे पुकारा जाता है? उनका नाम है शाहजहां को। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है मुगल शासकों में? शाहजहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो जो आपके सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो कहाँ से आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है आपका आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था। कहां से हुआ था? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात्र किसके द्वारा किया गया था? क्या है? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात्र किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय। किसके द्वारा? महायान संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ताजमहल का डिजाइन जो जिस वास्तुकार ने तैयार किया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आपका उस्ताद ईर्षा। क्या नाम था? उस्ताद ईर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार जरूर पूछता है, तो इनसे रिलेटेड जो है सारे के सारे क्वेश्चन पे तो आप बिल्कुल ध्यान देते हुए चलेगा स्टूडेंट। तो गौतम बुद्ध के विश्वास के अनुसार जो है बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो उनका नाम है कल्की को। किसको? कल्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो जो पंचमहल का निर्माण जो है सम्राट अकबर द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था, ठीक है, पंचमहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ये तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यार और बेहद आसान है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ये क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? तो इनमें से किसने जो इबादत खाना बनवाया था? तो आपका जो है अकबर ने जो है इबादत खाना बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो उनका नाम था रजिया बेगम। ये तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बेहद आसान है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो जो आपका टीपू सुल्तान था वो जो है मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है आपका महमूद बिन कासिम था। कौन था? महमूद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो प्रथम भारतीय साम्राज्य है वो आपके जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके द्वारा? तो यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके? गुरु गोविंद सिंह के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो ये तो बेहद जो है आसान क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसे सेवन्थ एट्थ से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो उसका नाम था सुल्तान महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इनमें से जो सबसे पुराना स्मारक है वो अजंता की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं, तो सिंधी घाटी के सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते हैं? पशुपति की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो जो त्रिपिटक है वो बौद्धों के जो है धार्मिक ग्रंथ है। तो ये क्वेश्चन फिर जो है बुद्ध साम्राज्य से रिलेटेड है, बुद्ध जो है धर्म से रिलेटेड है, तो इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर उठता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो त्रिपिटक आपका जो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो जो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी ये 1761 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद रखा गया था? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये जो है जो ये युद्ध था प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, बहुत ही फेमस युद्ध था ये, इसके बारे में आपको जो है जरूर जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये सारे जितने भी युद्ध हैं जरूर याद रखिएगा कि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो जो बक्सर का युद्ध था वो आपका 1763 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये तो बेहद जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान है। तो दिल्ली का जो है लाल किला आपका शाहजहां बनवाया था, ये आपको ही मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के जो है प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो अगर यहाँ पे पूछा जाए भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी तो किशन कन्हैया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहे भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो वो आपकी झांसी की रानी थी, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये वियना सम्मेलन भी बहुत ही फेमस जो है सम्मेलन था, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। तो जो वियना सम्मेलन था ये 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? वो आपका तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये जो एक्ट ऑफ यूनियन है ये 1707 में पारित हुआ था। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी ये 1917 में हुई थी। कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति? 1917। मैंने आपसे 10 बार कहा कि ये जो जितने भी क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है इन्हें एक बार जो है जरूर रिव्यू करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन 100% जो है आपके इस तरह के जो है बैटल से रिलेटेड आते हैं। तो आज के ये थे टॉप 50 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इन्हें एक बार आप रिव्यू करके जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें अगली वीडियो की प्रेरणा मिलती है। सो फिर मिलते हैं आज शाम 9 बजे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।